बीकेवी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर ये मांग की है कि दिवंगत भारत रत्न लता दीदी का अंतिम संस्कार जिस जगह पर हुआ, वहां विश्व को प्रेरणा देने वाली स्मृति स्थली बनाई जाए। उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि बीते कुछ दिनों में धर्म संसद के जरिए विवादित बयान सुर्खियां बने हैं, जो हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। गुस्से में कही गई बात को हिंदुत्व से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। तो भाजपा नेता किरीट सोमैया पर हमले के मामले में पुणे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शिवसेना के 8 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो स्टार्टअप चाणक्य नाम की किताब को लेकर तीन कैंपस स्टार्टअप के संस्थापक उमेश राठौड़ ने कहा कि इस किताब के जरिए युवाओं को स्टार्टअप और अपना कारोबार शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी। वहीं साइबर पुलिस ने सावधान किया है कि वैलेंटाइन डे के नाम पर भी साइबर अपराधी लोगों को चुना लगाने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए जरूरी है कि कोई ऑफर दिखे तो आंख मूंद कर भरोसा न करे। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे। शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के बाद लता मंगेशकर एक ऐसी दूसरी हस्ती बनी जिनका दादर स्थित शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया गया। बालासाहेब ठाकरे और लता दीदी के बीच पारिवारिक रिश्ता था, दोनों एक दूसरे को बहुत सम्मान देते थे। लेकिन ये किसे पता था कि लता दीदी को भी उसी स्थान पर अंतिम विदाई दी जाएगी जिस जगह पर 17 नवम्बर 2012 में बालासाहेब ठाकरे का अंतिम संस्कार हुआ था। शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार उस जगह से थोड़ी ही दूरी पर हुआ जहां बाला साहेब ठाकरे का हुआ था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार को दादर स्थित शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार कर दिया गया। लता के अंतिम संस्कार में शिवाजी पार्क न आने के लिए बीएमसी ने लोगों से अपील की थी। वीवीआईपी मूवमेंट के कारण पुलिस की पुख्ता व्यवस्था थी, इसके कारण शिवाजी पार्क के गेट पर ही हजारों लोग खड़े रहे। इसी बीच बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर ये मांग की है कि दिवंगत भारत रत्न लता दीदी का अंतिम संस्कार जिस जगह पर हुआ है, उसी स्थान पर विश्व को प्रेरणा देने वाली स्मृति स्थली बनाई जाए। ये मांग सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि करोड़ों प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों की भी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि बीते कुछ दिनों में धर्म संसद के जरिए विवादित बयान सुर्खियां बने हैं, जो हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि गुस्से में कही गई बात को हिंदुत्व से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। मुंबई के एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि हरिद्वार के धर्म संसद में मुसलमानों और रायपुर में हुई धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया गया था, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। भागवत ने सावरकर के एक बयान का भी जिक्र किया। इस बयान में सावरकर ने हिंदू समाज को एकता के सूत्र में पिरोने की बात कही थी। भागवत ने कहा कि सावरकर ने ये बात गीता का संदर्भ लेते हुए कही थी। उनके बयान में किसी को खत्म करने या नुकसान पहुंचाने का कोई अर्थ ही नहीं था। दरअसल वीर सावरकर ने ये कहा था कि यदि हिंदू समुदाय एकत्रित हो जाता है तो वह भागवत गीता के बारे में बातचीत में ना कि किसी को खत्म करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा। जब ये सवाल पूछा गया कि क्या भारत अब हिंदू राष्ट्र बनने की डगर पर है, तो उन्होंने कहा कि ये बयान हिंदू राष्ट्र बनाने के विषय में बिल्कुल नहीं है। लोग ये माने या ना माने, लेकिन ये वही मिट्टी है जहाँ के संविधान की प्रकृति हिंदुत्व वाली है। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि देश की अखंडता की भावना। राष्ट्रीय अखंडता के लिए सामाजिक समानता का होना जरूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया पर एक हमले के मामले में पुणे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शिवसेना के 8 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले में शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में पुणे के शिवसेना अध्यक्ष संजय मोरे, चंदन शालुंके, किरण साली, सूरज लोखंडे, आकाश शिंदे, रूपेश पवार, राजेंद्र शिंदे और शनि गावटे को आरोपी के तौर पर नामजद किया है। जानकारी के अनुसार शनिवार को जब किरीट सोमैया पुणे नगर निगम गए थे तो उन्हें शिवसेना नेताओं ने कथित तौर पर पीटा था। कोविड-19 जम्बो अस्पताल की स्थापना में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में शिकायत देने के लिए किरीट सोमैया पुणे नगर निगम गए थे। दूसरी ओर शिवसेना नेताओं ने खुद को निर्दोष बताते हुए दावा किया है कि वे केवल किरीट सोमैया से बात करना चाहते थे। सोमैया ने कहा कि वह पुणे नगर निगम गए थे और कोविड सेंटर में हुए घोटाले के बारे में शिवसेना नेता संजय राउत के पारिवारिक मित्र सुजीत पाटेकर को लाइफलाइन अस्पताल प्रबंधन सेवाओं के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपा था। अब उन्होंने शिवसेना के 8 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुणे पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हाल ही में स्टार्टअप चाणक्य नाम की किताब का विमोचन किया है। लीन कैंपस स्टार्टअप के संस्थापक उमेश राठौड़ ने इस किताब की अपरिहार्यता को लेकर कहा कि वे अपने इंजीनियरिंग के शुरुआती दिनों से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों उद्यमिता के प्रचार के मिशन से प्रेरित रहे हैं। इस किताब में आचार्य चाणक्य के विचारों और बतौर विद्यार्थी शिक्षक शोधकर्ता हासिल किए गए उनके अनुभवों का मिलन है। इस किताब के जरिए युवाओं को स्टार्टअप और अपना कारोबार शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी। राठौड़ ने कहा कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को किस तरह प्रेरित किया, ये साफ करता है कि इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक लिखने का विचार उनके मन में तब आया जब उन्होंने एक दिन सोचा कि अगर आचार्य चाणक्य कोई स्टार्टअप शुरू करेंगे तो उसे कैसे आगे बढ़ाएंगे। किताब में अर्थशास्त्र की किताबों में मौजूद सूत्रों के साथ स्टार्टअप से जुड़ी अवधारणाओं को जोड़ा गया है। स्टार्टअप चाणक्य पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी। किताब सर्वलोक हितम यानी सबकी समृद्धि के लिए प्रेरित करती है। राठौड़ 2010 से करीब 4.5 लाख विद्यार्थियों को स्टार्टअप और कारोबार शुरू करने के लिए प्रशिक्षित कर चुके हैं। वे नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन में मेंटर ऑफ चेंज भी है। वैलेंटाइन डे के नाम पर भी साइबर अपराधी लोगों को चुना लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि कोई ऑफर दिखे तो आंख मूंद कर भरोसा न करें, संबंधित दुकान से इसकी पुष्टि कर लें। साइबर पुलिस ने सावधान किया है कि ऑनलाइन लेनदेन के समय ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। किसी से ओटीपी साझा न करें, किसी और की भेजी किसी लिंक पर क्लिक न करें, बल्कि खुद आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। एनी डेस्क जैसे ऐप डाउनलोड न करें। ओएलएक्स पर नजर आने वाले लुभावने ऑफर से सावधान रहें। क्यूआर कोड स्कैन न करें। पुलिस के अनुसार मुंबई में इन दिनों साइबर लुटेरों की गैंग सक्रिय है। 1000 से ज्यादा लोग इसी तरह की लालच में ठगी का शिकार हुए हैं। बेहद कम कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक उपकार, मुफ्त में उपहार, नौकरी की कोशिश, फर्जी वेबसाइट, कर्ज लेने की कोशिश में बड़ी संख्या में मुंबई कर ठगी का शिकार हो रहे हैं। राहत की बात यह है कि हालांकि अश्लील और आपत्तिजनक संदेश भेजे जाने के मामलों में कुछ कमी आई है, लेकिन लोगों के अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर उनसे पैसे मांगने के मामले भी काफी बढ़े हैं। इसलिए बेहद सावधान रहने की जरूरत है। जहां भी इस तरह का संदेह हो तुरंत साइबर पुलिस से संपर्क करें और पूरी जानकारी देकर तहकीकात में मदद करें। कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहां के विजयपुरा के शांतेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट में कुछ छात्र भगवा स्टोल पहनकर कैंपस में पहुंच गए हैं। इसके बाद कक्षाएं स्थगित कर दी गई। वहीं बिहार के गया हवाई अड्डे के लिए गे कोड का उपयोग किए जाने पर संसद की एक समिति ने अपना विरोध दर्ज कराया है। समिति का कहना है कि धार्मिक मूल्यों वाले इस शहर के साथ ये कोड तर्कसंगत नहीं लगता। इसी बीच मौसम विभाग ने बुधवार से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इससे मौसम फिर करवट ले सकता है। तो बिहार में 30 साल के एक शख्स ने आरजेडी विधायक रामबलि सिंह चंद्रवंशी पर उनके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने रविवार सुबह पटना के सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उधर पीओके के लोगों ने पाकिस्तान की तरफ से 5 फरवरी को कश्मीर एकता दिवस मनाए जाने को ढोंग बताते हुए फ्रॉड डे मनाकर इसका विरोध किया है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कर्नाटक में एक बार फिर कॉलेज में कपड़ों को लेकर छात्र परेशान हो रहे हैं। कई दिनों से चल रहे हिजाब विवाद के बाद अब एक बार फिर भगवा स्टोल का मामला सामने आया है। कर्नाटक के विजयपुरा के शांतेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट में कुछ छात्रों के भगवा स्टोल पहनकर कैंपस में पहुंचने के बाद कक्षाएं स्थगित कर दी गई। बता दें कि कर्नाटक में पहले ही छात्रों का हिजाब विवाद चल रहा है, जो उडुपी जिले के कुंडारपुर में स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक से पैदा हुआ था। सरकारी कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनने पर कक्षाओं में प्रवेश न करने देने से इस विवाद की शुरुआत हुई थी। इसके बाद छात्राओं ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था और हाईकोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका भी दायर कर दी है, जिस पर कल सुनवाई होनी है। इस बीच उडुपी जिले के कुंडापुर में सरकारी पीयू कॉलेज के पास घातक हथियार ले जाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 अन्य लोग पुलिस से बचकर भाग निकले। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अब्दुल मजीद और रजब के रूप में की गई है। दोनों आरोपी कुंडापुर के पास गांव गंगोली के रहने वाले हैं। इन दोनों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों पक्षों के तेवर को देखते हुए लग रहा है कि हिजाब विवाद गंभीर रूप अख्तियार करता जा रहा है। बिहार के हवाई अड्डे के लिए गे कोड का उपयोग किए जाने पर संसद की एक समिति ने अपना विरोध दर्ज कराया है।
सार्वजनिक उपक्रम संबंधी संसदीय समिति ने सरकार से गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए इस कोड को बदलने को कहा है। समिति ने कहा कि गया हवाई अड्डे के लिए गे कोड इस पवित्र शहर के लिए अनुपयुक्त है, इसलिए सरकार को इस कोड को एक उपयुक्त कोड से बदलने का प्रयास करना चाहिए। उधर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार ITA विश्व की एयरलाइनों के व्यापार संघ ने मुख्य रूप से हवाई सुरक्षा से संबंधित उचित कारण के बिना कोड को बदलने में असमर्थता व्यक्त की है। IATA ने यह भी कहा कि संकल्प 763 के अनुसार आवंटित स्थान कोड स्थायी है और इसे बदलने के लिए मुख्य रूप से हवाई सुरक्षा से संबंधित एक मजबूत औचित्य की आवश्यकता है। विमानन मानदंडों के अनुसार IATA हवाई अड्डों के लिए स्टेशन कोड आवंटित करता है। समिति ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के साथ अनुरोध करने के लिए IATA की सदस्य एयरलाइन होने के नाते एयर इंडिया के प्रयासों की सराहना की, लेकिन सभी प्रयास करने पर जोर दिया। उत्तर भारत में लगातार बदलते मौसम के बीच रविवार को दिन भर चटक धूप खिली रही। सोमवार को तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है, हालांकि बुधवार से मौसम फिर करवट लेगा। मौसम विभाग की माने तो बुधवार से बारिश होने का भी अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ों पर हिमपात होगा। उत्तराखंड में मंगलवार से हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बादल छाए रहेंगे और बारिश भी होने की संभावना है। इस दिन के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद तापमान भी गिरेगा और ठिठुरन भी वापस बढ़ेगी। फिलहाल उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोहरा और पहाड़ों में पाला दुश्वारी बढ़ा रहा है। 8 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद से ऊंचे और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात और बारिश की संभावना है। 9 फरवरी को भारी हिमपात व बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 11 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। हिमस्खलन की आशंका भी बनी हुई है। उत्तर भारत में होने वाली इस मौसमी बदलाव का असर मध्य भारत में भी पड़ेगा। न्यूनतम तापमान में कमी आने से रातें सर्द हो सकती है, हालांकि यह प्रभाव कुछ ही दिन के लिए असरकारक साबित होगा। 30 साल के एक शख्स ने RJD विधायक रामबली सिंह चंद्रवंशी पर उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने रविवार सुबह पटना के सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सचिवालय के थानेदार CP गुप्ता ने कहा कि वह व्यक्ति अरवल जिले के सोनभद्र का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक मामले में आगे की कार्रवाई करने से पहले आरोपों की जांच करेगी। उस व्यक्ति ने कहा कि वह शुक्रवार रात MLC के साथ उसी कमरे में रहा, जब रामबली ने कथित तौर पर उसके साथ शारीरिक संपर्क बनाने का प्रयास किया। पीड़ित युवक ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उसने विरोध किया तो MLC ने उसे पीटा। हालांकि RJD विधान पार्षद रामबली सिंह चंद्रवंशी ने आरोपों का खंडन किया और बताया कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है। रामबली का दावा है कि मेरे जिले के रहने वाले कुछ लोग शुक्रवार को मेरे घर आए और विकास कार्यों के लिए पैसे भी मांगे। मेरी आर्थिक स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया और वो घर से चले गए। मुझे नहीं पता कि वो युवक मेरी छवि को क्यों खराब कर रहा है। RJD MLC रामबली सिंह चंद्रवंशी पटना में BN कॉलेज के प्रोफेसर भी है। ये कोई पहली दफा नहीं है जब रामबली पर अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगा है। करीब 2 साल पहले भी एक युवक ने उनके खिलाफ ठीक ऐसा ही मुकदमा पटना के पीरबहोर थाने में दर्ज कराया था। पाकिस्तान को उसके कब्जे वाले कश्मीर ने ही आईना दिखाया है। POK के लोगों ने पाकिस्तान की तरफ से 5 फरवरी को कश्मीर एकता दिवस मनाए जाने को ढोंग बताते हुए फ्रॉड डे मानकर इसका विरोध किया है। बाघ, मोंग और हजीरा आदि दर्जनों जगह पर पाकिस्तान के विरोध में रैलियां निकाली गई। रैलियों में लोगों ने इस्लामाबाद पर कश्मीर को लेकर डबल स्टैंडर्ड अपनाने के आरोप लगाए है। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर और इस्लामाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना की। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में पाकिस्तान की राजधानी से भी ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं। ऐसे में पाकिस्तानी हुकूमत किस तरह की एकजुटता की बात कर रही है। दरअसल पाकिस्तान 1990 से हर साल 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मना रहा है। इसके जरिए वह कथित तौर पर कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे आतंकियों को क्रांतिकारी बताकर कश्मीर अलगाववाद आंदोलन का समर्थन करता है। इसकी शुरुआत के साल से ही एंटी इंडिया ग्रुप्स और लोग इस दिन का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में लोगों को अपना समर्थन करने और हिंसा को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए उन्हें अपने साथ जोड़ने में करते हैं। दूसरी तरफ आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिए जाने के बाद से वहां का माहौल बदला है। स्थानीय निवासियों ने भी अपनी राय भारत को लेकर बदली है, जिसे पाक परस्त एजेंडे को लागू करने में जुटे अलगाववादियों के मनसूबे फेल हो रहे हैं।
ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासनकाल के 70 साल पूरे हो गए हैं। इसी बीच महारानी एलिजाबेथ ने ऐलान किया है कि उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स के राजा बनने पर कैमिला ही महारानी होगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि रूस यूक्रेन पर किसी भी दिन हमला कर सकता है, लेकिन इस संघर्ष की शुरुआत हुई तो मानवता को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी बीच अफगानिस्तान सीमा पर 5 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या से जनरल कमर जावेद बाजवा और तालिबान के बीच संबंध बेहद खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। उधर अफगानिस्तान में तालिबान के अधिग्रहण के बाद से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। महामारी, आर्थिक संकट, सूखे भुखमरी के साथ साथ देश अब कैंसर से भी जूझ रहा है। तो कनाडा में बीते कुछ दिनों से लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर उनमें तोड़फोड़ और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इस वजह से भक्तों और पुजारियों में दहशत का माहौल है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासनकाल के 70 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर महारानी एलिजाबेथ अपनी बहू कैमिला पार्कर पर मेहरबान हो गई है। महारानी एलिजाबेथ ने ऐलान किया है कि उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स के राजा बनने पर कैमिला ही महारानी होगी। यही नहीं, महारानी ने दरिया दिली दिखाते हुए दुनिया भर से इकट्ठा किया हुआ अपना बेशकीमती खजाना भी बहू के हवाले करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि महारानी ने अपनी बहू कैमिला को भारत में मिले कोहिनूर हीरे से जड़ा अपना अनमोल मुकुट भी दे दिया है, जिसे वह प्रिंस चार्ल्स के राजतिलक के दिन पहनेंगी। बता दें कि प्रिंस चार्ल्स ने राजकुमारी डायना की मौत के बाद कैमिला पार्कर से साल 2005 में शादी रचाई थी। शादी के बाद भी कैमिला को महारानी का दर्जा न देकर क्वीन कंसोर्ट की उपाधि दी गई थी। दरअसल राजकुमारी डायना को महारानी का दर्जा मिलना था, लेकिन उनकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत के बाद बने बेहद संवेदनशील माहौल को देखते हुए कैमिला को महारानी का दर्जा नहीं दिया गया। इसी वजह से वह प्रिंसेस ऑफ वेल्स की उपाधि धारण नहीं कर पाई। 95 वर्षीय महारानी ने लिखित संदेश में कहा कि आपने मेरे प्रति जो निष्ठा और स्नेह दिखाया है, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि रूस यूक्रेन पर किसी भी दिन हमला कर सकता है। संघर्ष की शुरुआत हुई तो मानवता को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार की ये दूसरी चेतावनी है। इसके पहले अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की थी कि रूस ने महीने के मध्य तक अपनी मंशा के अनुरूप कम से कम 70% सैन्य साजो सामान एकत्रित कर लिया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ हमला करने का विकल्प मुहैया कराना है। सुलिवन ने कहा कि अगर युद्ध छिड़ता है तो यूक्रेन को बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन अपनी तैयारियों और प्रतिक्रिया के आधार पर हमारा विश्वास है कि रूस को भी इसके लिए रणनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने सीधे तौर पर उन खबरों का जिक्र नहीं किया जिसके मुताबिक व्हाइट हाउस ने सांसदों को जानकारी दी है कि रूस आक्रमण करके क्यू पर त्वरित कब्जा कर सकता है, जिसमें 50,000 लोग हताहत हो सकते हैं। अफगानिस्तान सीमा पर 5 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या से जनरल कमर जावेद बाजवा और उसके पालतू तालिबान के बीच संबंध बेहद खराब होते दिख रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने पहली बार अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अपने सैनिकों पर हमले के लिए इस्तेमाल किए जाने की सार्वजनिक रूप से निंदा की है। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान के खिलाफ यह ताज़ा बयान ऐसे समय पर दिया है जब अफगान सीमा से घुसे TTP आतंकियों ने रविवार को 5 सैनिकों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इस हमले के बाद अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को लेकर पाकिस्तानी सेना का धैर्य जवाब दे रहा है। पाकिस्तानी सेना ने यह भी दावा किया कि उसने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें आतंकियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसा पहली बार है जब पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से तालिबान के शासन वाली अफगान जमीन के इस्तेमाल की निंदा की है। इससे पहले जब तालिबानियों ने सीमा पर बाड़ लगाने से रोका था, तब पाकिस्तानी सेना ने इसे स्थानीय समस्या करार दिया था। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने कहा कि तालिबान यह सुनिश्चित करे कि इस तरह के हमले न हो। अफगानिस्तान में तालिबान के अधिग्रहण के बाद से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। महामारी, आर्थिक संकट, सूखे भूखमरी के साथ साथ देश ढेरों परेशानियों से आए दिन जूझ रहा है। ऐसे में एक और हैरान परेशान करने वाली बात सामने आई है। तालिबान के जन स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि अफगानिस्तान में सालाना लगभग 40,000 लोगों में कैंसर का पता चलता है, जिनमें से अनुमानित हर साल 16,000 से 20,000 लोगों की जान चली जाती है। तालिबान के जन स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा में कहा है कि वह कई प्रांतों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कैंसर देखभाल केंद्र स्थापित करने के लिए योजना बना रहा है।
मंत्रालय के अधिकारी नईमुल्ला अयूबी ने कहा कि सालाना लगभग 40,000 लोग कैंसर से संक्रमित होते हैं, जिनमें से लगभग 16,000 से 20,000 लोग हर साल इस बीमारी से अपनी जान गंवा रहे हैं। फिलहाल वर्तमान में काबुल, कंधार और हैरात में 3 सक्रिय कैंसर देखभाल केंद्र है। तालिबान सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों ने देश में कैंसर के इस कहर के लिए अफगान की पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि अधिकारियों ने देश के नाजुक स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति पर पिछली सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। कनाडा में बीते कुछ दिनों से लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर उनमें तोड़फोड़ और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इस वजह से भक्तों और पुजारियों में दहशत का माहौल है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पिछले 10 दिन में ही 6 मंदिरों को लूटा गया है। उपद्रवी दान पेटियों से कैश चुराने के अलावा मूर्तियों पर सजाए गए आभूषण भी चुरा ले गए। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। ये घटनाएं 15 जनवरी को हनुमान मंदिर में एक तोड़फोड़ के साथ शुरू हुई। इस दिन ग्रेटर टोरंटो एरिया के ब्रैम्पटन में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की असफल कोशिश हुई। वही 25 जनवरी को इसी शहर में देवी दुर्गा के मंदिर को तोड़ दिया गया। इन दोनों घटनाओं के बाद उपद्रवियों ने गौरीशंकर मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में भी उत्पात मचाया। 30 जनवरी को मिसिसॉग में हिंदू हेरिटेज सेंटर में 2 व्यक्तियों ने दान पेटी और मुख्य कार्यालय में तोड़फोड़ की। आमतौर पर इन घटनाओं को रात 2 से 3 बजे के बीच अंजाम दिया जा रहा है। कनाडा को धार्मिक रूप से काफी सहिष्णु देश माना जाता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खुद हिंदू मंदिर में दर्शन करने जा चुके हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाओं ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। मंदिरों पर लगातार हो रहे हमले एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।